जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग माहौने शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 को देखने जा रहे हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है प्रूफ दैट द डिटरमिनेंट्स, ये जो डिटरमिनेंट्स है इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी यह थीटा से इंडिपेंडेंट है, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें थीटा नहीं आएगा, ये हम लोगों को प्रूफ कर देना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि थीटा आता है कि नहीं आता है। तो नॉर्मली हम लोग सीधे इसको सॉल्व कर दें। तो चलिए हम यहाँ x को लेते हैं और x को लेके तो देखिए x वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा यहाँ माइनस x इंटू x यानी माइनस x स्क्वायर और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम साइन थीटा को लेंगे तो फिर देखिए साइन थीटा वाले कॉलम और रो को छोड़ देंगे, बचेगा माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा और x, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस यक्स साइन थीटा। अब इसके बाद लास्ट वाले को लेते हैं कॉस थीटा को, तो ये है आपका कॉस थीटा और फिर देखिए कॉस थीटा वाले कॉलम और रो को हम छोड़ देते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस साइन थीटा का 1 में तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा और फिर माइनस कॉस थीटा का एक्स में होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया आपका एक्स कॉस थीटा। फिर अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है यहाँ पर। तो देखा जाए अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस हो जाएगा एक्स, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा का तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा एक्स साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखें माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और यहाँ देखिए ये एक्स साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या मिलेगा ये हो गया माइनस एक्स टू माइनस एक्स एंड यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स हो जाएगा, एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी थीटा नहीं आ रहा है, hence we can say that this determinants is independent of theta। तो इस प्रकार ये question number 1 सॉल्व होता है। अब हम लोग question number 2 को सॉल्व करेंगे और देखें question number 2 में दिया हुआ है without expanding the determinants, determinants का को expand नहीं करना है, प्रूफ दैट प्रूफ कर दीजिए कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी का यूज होगा। चलिए हम एल एच एस को सॉल्व कर रहे हैं और देखें
हम ऐसा करते हैं, ये R1 मीन्स फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। अब समझिए, हम R1 में A से मल्टीप्लाई करते हैं और A से डिवाइड कर देते हैं, R2 में B से मल्टीप्लाई करते हैं, B से डिवाइड कर देते हैं, और R3 में C से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और C से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ A से मल्टीप्लाई होगा तो ABC आ जाएगा, यहाँ B से मल्टीप्लाई होगा तो ABC आ जाएगा, यहाँ C से मल्टीप्लाई होगा तो ABC आ जाएगा, और तीनों में से ABC हम कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। तो चलिए, हम R1 में A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये R1, ये R2, ये R3, तो A से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो याद रखे रहिएगा, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो हम A से डिवाइड कर दिए, ये A स्क्वायर हो गया, ये A क्यूब हो गया, और ये हो गया ABC। फिर R2 में हम B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और B से डिवाइड, देखिए डिवाइड वाला काम हम बाहर कर रहे हैं और मल्टीप्लीकेशन अंदर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो गया बी क्यूब, और ये हो जाएगा ABC। अब इसके बाद ये जो R3 है, हम R3 में C से मल्टीप्लाई करते हैं और C से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी क्यूब, और ये हो जाएगा आपका ABC। अब देखिए क्या है, रूल ये है कि किसी भी कॉलम या किसी भी रो में अगर एक ही चीज हर जगह है तो उसको हम काम ले सकते हैं। तो अब हम ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, हम C3 में से ABC काम ले रहे हैं। तो देखिए, अब ये 1/ABC तो पहले से था, हम यहाँ से ABC बाहर निकाल लेते हैं, तो ये है ABC, और फिर देखें क्या मिलेगा, ये है A² और ये A³ और ये हो गया 1, फिर ये है B² B³ और 1, और फिर ये हो जाएगा C² C³, और फिर ये हो जाएगा 1। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब तो ये ABC से ABC कैंसिल हो जाएगा, हमको प्रूफ करके इतना ही लाना है। तो देखिए, एक काम करते हैं हम लोग, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C3 को हम C1 के स्थान पे और C1 को C3 के स्थान पे ले जा रहे हैं। और जानते हैं, डिटरमिनेंट्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि जब रो को रो में चेंज करते हैं या कॉलम को कॉलम में चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज हो जाएगा, तो देखें, यानी अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और फिर देखें, हम C1, ये C3 को ला रहे हैं C1 के यहाँ और C1 को ले जा रहे हैं C3 के यहाँ। तो अब ये हो गया 1 1 1, और फिर ये A³ B³ C³, और ये हो जाएगा A²B²C²। अब देखिए फिर क्या होगा, और अब ये जो है आपका, देखिए हमको लाना क्या है ये आपको ध्यान में देना है। तो अब हम एक काम करते हैं, ये C2 है, ये C3 है, तो C3 को C2 की जगह पे और C2 को C3 की जगह पे, तो जब फिर इंटरचेंज करेंगे तो फिर एक और माइनस आ जाएगा, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ मिलेगा आपका 1 1 1, और हम C3 को C2 की जगह पे और C2 को C3 की जगह पे कर रहे हैं। तो A²B²C², ये A³ B³ और ये C³ रहा। तो इस प्रकार ये जो राइट आ गया, लेफ्ट हम लोगों ने शुरू किया था, और फिर ये RHS आ गया। तो फिर यहाँ लास्ट में हम लिख सकते हैं LHS = RHS, दैट प्रूव्ड। तो देखिए, बिना एक्सपेंड किए हुए हम लोग इसको प्रूफ कर लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको इवेलुएट करना है।
तो इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर दें, देखें कास अल्फा और कास बीटा को हम लेते हैं तो फिर ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा। आप फिर देखें यहाँ कास अल्फा कॉस बीटा का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कास अल्फा कॉस बीटा और इसका जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कास अल्फा और साइन बीटा का हम लोग करते हैं तो देखें ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, फिर ये बचा तो इसमें ऑपोजिटली मल्टीप्लीकेशन होता है तो इसका इसमें करेंगे जीरो हो जाएगा और फिर यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन बीटा और कास अल्फा। अब इसके बाद हम लास्ट वाले टर्म को लेते हैं, ये है माइनस साइन अल्फा, फिर देखते हैं साइन अल्फा वाला कॉलम और रो छोड़ देते हैं, फिर इसका यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन बीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा और फिर हम लोग इसमें करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो देखें यहाँ हम नीचे लिख देते हैं माइनस ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कास स्क्वायर बीटा। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन यहाँ कर देते हैं तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा और फिर यहाँ हम करें तो देखें क्या मिलेगा, कास अल्फा और फिर साइन बीटा तो ये हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और फिर यहाँ पर हम लोग देखें ये माइनस साइन अल्फा है तो माइनस साइन अल्फा का भी हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और फिर इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा हो गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें फिर क्या मिलता है, तो हम लोग इन दोनों में से कास स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो कास स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा आपका कास स्क्वायर बीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा और फिर इन दोनों में से अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो देखें क्या मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर बीटा और प्लस हो जाएगा कास स्क्वायर बीटा। आपको देखिए ये तो है कास स्क्वायर अल्फा और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा इक्वल टू वन हो जाएगा और प्लस ये है आपका साइन स्क्वायर अल्फा फिर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर बीटा इक्वल टू वन हो जाएगा और फिर वन का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर देखिए क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा एंड यू नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होता है और इस प्रकार देखें आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को बताए हैं और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।